बताऊ तो की दिक्कत है अपने के? हमरा तो दिक्कत है जी, ये 15 दिन से सतुआ खा खा के जी रहा है, 15 दिन से पानी है घर में। अच्छा, और कथी कहू, अब तो न जरना है न काठी है न ओन है न पानी है। ये दिन काट रहा थी सतुआ खा खा के भर पेट न खाई हुए, आधा पेट खा खा। चारों तरफ पानी है, कहीं कोई उपाय नहीं है ना? सड़क उड़क सब पर पानी है, परेशानी तो बहुत है। क्या क्या दिक्कत हो रहा है? पानी लगी हुई है, दिक्कत सब चीज के, खाना पीना सबके, जाए आवे के दिक्कत है, सारा चीज के दिक्कत है। परिवार कहाँ रह रहा है? वहाँ रह छी, अथी गिरा जाती पर्दा ना देख ली है रोड पर, वहाँ रहते हैं। हाँ, गाय उधी कर रह छी, उन्हीं खाई से बन गई छी सर। यहाँ अभी खाली कर दिए? हाँ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया, विधायक, ये लोग आए हैं? अभी कोई ना, कोई नहीं पूछ रहा। कितने दिन से ये पानी की दिक्कत है? पानी हो गया 8 दिन से, हो गया है 8 दिन से। हाँ। पानी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रही है। कितनी परेशानी हो रही है बाबा यार? बहुत परेशानी है। कब कब से पानी लगा? पानी कई 10 दिन से, बिजली से पानी इसमें भरा हुआ है। क्या चीज का पानी है? बरसात का पानी। कितने लोग के घर में पानी है? उधर 2 मरैया है बता, उधर में पानी है, बहुत परिवार प्रभावित है। इसमें जो है लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और यहाँ पे जो है ना कोई प्रशासन कुछ देख रहा है, ना कोई राजनीति राजनीति के कोई भी पार्टी के ना कोई सदस्य देख रहे हैं, है ना? कितने प्रभावित है, कितने लोग प्रभावित हैं? यहाँ पे करीब करीब 3-4 हज़ार लोग जो हैं वो प्रभावित हैं। ये कैसे, ये पानी किसका पानी है और कैसे आया है ये पानी? ये पानी जो है इधर एक नदी है, बड़ा नदी, वो गंगा से भी शायद मिलती है, कदाने नदी। हाँ। तो वो बांध भी 2-4 जगह टूटा हुआ है, और भी उधर से भी पानी आता है, उधर भरवारी मतलब नदी का पानी है, प्लस बारिश लगातार हो रहा है, प्रत्येक दिन हो रही है। कैसे आवाजाही, आप तो काम करने वाले लोग हैं, कैसे आते जाते हैं फिर इतनी कठिनाई? देखिए, इधर आगे से जो है पानी नहीं है, तो उधर जो है गाड़ी जो है उधर लगा देते हैं, है ना? और फिर यहाँ से पैदल जाना जाते हैं हम लोग, करीब समझिए जो हम लोग 2 मिनट में जाते थे, वो पानी के वजह से अभी 2 घंटे लगते हैं जाने में। और इस चीज़ को ना वीडियो देख रहे हैं, न सीओ देख रहे हैं, किसी भी विभाग के अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। लोग यहाँ मर रहा है गांव में, और परेशान है, बहुत परेशान है लोग। कदाने और नून नदी, इसके जलस्तर में इजाफा हो रहा है, कई नए इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है जी। एक कुछ क्षेत्रों में छोटी छोटी नदियों के जो बेड है उसमें पानी आया है, जो कि अंततः फिर बड़ी नदियों में मिल जाता है। तो अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां, जिन पंचायतों, कुछ एक पंचायतों में आने की बात हुई है, तो वहां पर हम लोग जो भी आवश्यक कार्रवाई है, राहत के कार्य है, वो निश्चित रूप से करा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो बाढ़ से पीड़ित थे पहले पंचायत, उन पंचायतों को चिन्हित कर वहाँ जीआर राशि देने का भी प्रावधान होता है। ABP News, आपको रखे आगे।